चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नित्यानंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका। आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन। एक्सपीरियंस द हीलिंग। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक प्रद्युम्न राजपूत का आज जन्मदिन है। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के जितने भाजपा कार्यकर्ता हैं, साथ में जितने भाजपा के नेता हैं, वो यहाँ पे प्रद्युम्न राजपूत को शुभकामनाएं देने पहुँचे हैं। आगे चूंकि चुनाव है, लिहाजा जो कार्यकर्ता हैं वो भी खासे उत्साहित हैं और अपने नेता को एक बार फिर से विजयी बनाते हुए देखना चाहते हैं इन चुनावों में। हमारे साथ में भाजपा के तमाम जो नेता हैं इलाके के, वो मौजूद हैं। विनय चौहान मौजूद हैं। विनय जी, किस तरह से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कुछ शुभकामनाएं दी आपने प्रद्युम्न राजपूत को? आज बड़े खुशी का दिन है क्योंकि हमारे पूर्व विधायक और हमारे नेता प्रद्युम्न जी का जन्मदिन है। तो अभी तो आप लेट हो गए हो, यहाँ कार्यकर्ताओं की इतना अच्छा हजूम, सब उत्साह के साथ, क्योंकि आने वाला वर्ष अभी चुनावी वर्ष है और जिस तरह से प्रद्युम्न जी ने पिछले वर्षों जब उन्होंने सत्ता में रहते हुए जो लोगों को जोड़ा है, लोगों के दिलों पर राज किया है और जिस तरह से लोगों को ईमानदारी के साथ इस क्षेत्र का विकास किया है, तो हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि आने वाले टाइम पे भाई प्रद्युम्न राजपूत दोबारा से विधानसभा के नेतृत्व करें और हम लोग उसमें पूरी भागीदारी करेंगे और यही शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला समय वो विधायक बन के आए, क्षेत्र का नेतृत्व करें, यही हमारी शुभकामनाएं है। भाजपा नेता प्रदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप भाई, किस तरह से शुभकामनाएं आपने प्रेषित की अपने लोकप्रिय नेता को? देखिए, आज प्रद्युम्न जी का जन्मदिन है, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने इसको मनाया। विनय चौहान जी, हमारी डिप्टी चेयरमैन, रेखा जी अपने वार्ड के सभी साथियों के साथ यहाँ पर आई हैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए और तमाम हमारे सभी साथी सहयोगीगण यहाँ पर अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। डाबड़ी वार्ड की निगम पार्षद रेखा चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, पूर्व विधायक हैं आपकी पार्टी के, भाजपा के कद्दावर नेता हैं इलाके के, क्या कोई ऐसा आप तोहफा देना चाहेंगे डाबड़ी वार्ड की तरफ से जो कि उनके जो विकास कार्य थे उनमें एक मानक जो है स्थापित कर सके अपनी तरफ से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं देने चाहती हूँ पूरी डाबड़ी वार्ड की तरफ से। और डाबड़ी वार्ड से बहुत सारे लोग, काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ आए हुए हैं और जुड़े हुए हैं इनके साथ। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आने वाले टाइम में दोबारा से टिकट मिले और विधायक जी जीत के आए। डाबड़ी वार्ड का, पूरे डाबड़ी वार्ड की जिम्मेदारी मेरी है जो मैं उनको डाबड़ी वार्ड से जिता के भेजूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप यहाँ पे आए। आपका भी आभार क्योंकि शुभ अवसर पे आए हो और ऐसे ही आपका हमेशा साथ मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। त्यागी जी का भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद कौशिक भाई, बहुत बहुत आभार। पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की खुशियां हैं, किस तरह का सेलिब्रेशन है, किस तरह के जो कार्यकर्ता हैं उनके जज्बात हैं और किस तरह से जो बधाइयों का सिलसिला है सुबह से जारी है, कितने लोग यहां पे आए, उनका जो जन्मदिन है वो उनको विश किया। प्रद्युम्न जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कार्यकर्ताओं का खास हुजूम रहा इस मौके पर, सभी जो आपके विधानसभा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे, तो लगता है एक बार फिर से चाहते हैं कि कुछ समय बाद जो चुनाव आने वाला है फिर से एक बार प्रद्युम्न राजपूत पर जनता भरोसा करे और फिर से आप एक बार विजय की माला पहने। मैं समझता हूँ कि ये सबका प्यार और आशीर्वाद है, जो सब लोग अपना आशीर्वाद बड़े जो है आशीर्वाद देने पहुँचे हैं, साथ ही जो है जिन लोगों के साथ इतने साल से हम काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब हम इस सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक काम के अंदर रहते हैं, लोगों के सुख दुख में खड़े होते हैं और प्यार और परस्पर प्रेम बना रहता है, तो ऐसे मौके पर मैं समझता हूँ जो अपने लोग होते हैं, सुख हो या दुख हो, और ऐसे मौके पर अपने लोग आके खड़े हो जाते हैं और जब खुशी का मौका होता है और अपने सब लोग खड़े होते हैं तो मैं समझता हूँ कि खुशी बढ़ जाती है। तो आज सारे कार्यकर्ता हमारे सब जो है यहाँ आकर के इकट्ठे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं का भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। बड़ों को भी मैं नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे आकर के आशीर्वाद दिया, और आपको भी, आपका भी धन्यवाद। और बहुत बहुत मेरे जो चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। जिस तरह से सुबह से लोग जुटे हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद थे, आपको जो जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं वो प्रेषित की, इन सबके प्यार से आपको देख के लगता है कि 5 साल पहले जो नहीं हो पाया इस बार जनता दोबारा से उस कसक को जो है पूरा कर देगी?
देखिए, मैं तो एक बात आपको कहूँगा, आप भी मीडिया के अंदर बहुत समय से काम कर रहे हैं और पिछले 15-20 साल से तो मैं भी आप ही को देख रहा हूँ। आप सब जगह जाते हैं, सत्ता पक्ष के पास भी, विपक्ष के पास भी। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो चुन के आते हैं, उससे पहले वो बहुत सारी प्रक्रिया में से गुजरते हैं, कहीं संगठन में, कहीं ज़िले में, कहीं मंडल में काम करके उसके बाद ही पार्टी चयन करके टिकट देती है। और उनकी पढ़ाई लिखाई इस ढंग की होती है कि जब वो आते हैं जनप्रतिनिधि बन करके, वो काम करते हैं और काम करने में यकीन करते हैं। तो इससे पहले भी हमने काम किया था, जो 100 करोड़ की लागत से आज सारे एरिए के अंदर सीवर डल रहे हैं, वो मैंने ही उस समय मंजूर कराए थे। मेरी इच्छा थी कि मुझे मौका मिला है तो जल्दी जल्दी चुनाव हो गए बहुत, तो इसलिए जो है समय समय पर जब भी चुनाव आते हैं तो विकास का काम रुकता, डिले होता है। आज सारे इलाके के अंदर जो सीवर का काम हो रहा है और उसके अंदर लगभग 40 करोड़ रुपये सीवर की सड़कों का है, वो सारा उसी समय मैंने ही मंजूर कराया था, जो कि काम अब तक हो जाना चाहिए था। तो हमारी तो कोशिश रही है, काम करने के लिए आए हैं और आगे भी मौका मिलेगा तो खूब काम करेंगे। और मेरी तो खुद की इच्छा रही है, ये पानी, सीवर, सड़कें, लाइट, पार्क, ये तो इनसे आगे हमें चलना चाहिए। तो आज आज़ादी को इतना समय हो गया है, ये सब मूलभूत आवश्यकताएं हैं, लोगों को मिलनी चाहिए। कब तक हम बिजली, पानी, सड़कों के चक्कर में लड़ाई लड़ते रहेंगे? ये सब चीज़ें तो बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। प्रद्युम्न जी, जिस तरह से अंतिम में सवाल लेता हूँ, जनता जो अभी विधायक हैं वर्तमान, उनको ढूंढती रहती है, कई दफ़ा पोस्टर भी लगे हैं, तो क्या लगता है जनता आपके शासनकाल को इस समय याद कर रही है, मिस कर रही है आपको, एक बार फिर चाहती है कि आप फिर से जीतें और हमेशा उनके बीच में उपस्थित रहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जनता ने उस समय एक अन्ना हजारे का आंदोलन जब हुआ था तो केजरीवाल के प्रति एक जो है प्रयोग किया कि भाई ये पार्टी नहीं है तो शायद कुछ करके दिखाएगी। और मैं समझता हूँ कि जनता आज अपने आप को ठगा महसूस करती है, जितने भी वायदे किए हैं वो कहाँ पूरे किए हैं, केवल गंदी राजनीति के अलावा क्या किया है, या सिर्फ ये कि लोगों को लालच दो, लालच दे करके उनकी वोट लो और उसके बाद 5 साल सत्ता पे काबिज हो जाए, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जनता इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है और जो यहाँ विधायक रहे हैं वो तो मैं समझता हूँ कि नज़र भी नहीं आते, तभी सारी दीवारों पर पोस्टर उनके लगे हुए हैं कि गायब हैं और गुमशुदा की तलाश है और समय समय पे लापता रहे हैं। लिहाजा जनता एक बार फिर आने वाले चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी प्रद्युम्न राजपूत पे फिर से भरोसा करती है और उनको टिकट देती है। देखो जी, हम सब कार्यकर्ता द्वारका विधानसभा के जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए हैं वो सब पूर्व विधायक प्रद्युम्न राजपूत जी को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। और आज से मैं ये मानता हूँ कि आज से दिल्ली विधानसभा का चुनाव की तैयारी इस विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले तो मैं न्यू चैनल की तरफ से प्रद्युम्न जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा। और ये प्रद्युम्न जी का प्यार है कि जो जनसैलाब उमड़ा है उनके जन्मदिन पर उनको बधाइयाँ देने के लिए। और इसी के साथ आज से द्वारका विधानसभा ने चुनाव की तैयारियाँ शुरू कर दी है, क्योंकि अब की बार फिर से भाजपा सरकार। तो जनता प्रद्युम्न राजपूत को जिताने का काम करेगी। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।